अस्सलाम वालेकुम। F9 पार्क के अंदर जो वाकया हुआ उसके अंदर कुछ ऐसी नई चीजें सामने आई हैं जिससे जो केस का सारा तफ्तीश का जो रुख है और जो पुलिस ने पहले बयान किया और जो FIR हुई उससे बहुत मुख्तलिफ हमें इंफॉर्मेशन जो है ना वो नजर आ रही है। एक शख्स जो कि दावा कर रहा है कि वो एनी शाहिद है F9 पार्क में, उसने एक बयान दिया जिसके मुताबिक वो ये बताता है कि लड़का और लड़की यहाँ पर मौजूद थे पार्क के अंदर, और उसके बाद चार लोग आए और उन्होंने इनका पीछा किया, ताकुब किया, और उन चार लोगों में से दो के पास जो है वो मौजूद थी असला मौजूद था उनके पास पिस्टल्स थे, और वो असले के ज़ोर पर वो उनको जंगल में ले गए। लड़की का वो बता रहा था कि काफ़ी लड़की ने वहाँ पर चीखों पुकार की, और जो शख्स इससे इंटरव्यू ले रहा था उसने भी उनसे जब ये पूछा कि जब लड़की के साथ ये जुल्म हो रहा था, बर्बरियत हो रही थी वहाँ पर, तो आपने क्या कुछ किया, तो उसने ये बताया कि मैं तो बुज़ुर्ग आदमी हूँ और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं पुलिस को कॉल करता, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। बहरहाल जो पुलिस हुकाम है उन्होंने इस शख्स के बयान को बड़ा सीरियसली लिया है, और अब ये जो बयान है इसको भी इन्वेस्टिगेशन में वो जो शख्स है जिसने ये स्टेटमेंट दिया है उसको भी इन्वेस्टिगेशन में वो शामिल कर रहे हैं, और अब आगे चल के देखते हैं कि अब इस केस में बनता क्या है, क्योंकि पहले दो अफराद का बताया गया कि दो अफराद ने ज्यादती की और उनमें से एक के पास पिस्टल था, अब ये सारा इंटायरली केस जो है उस केस को ही बदल दिया गया है। अब केस की ज़ाहिर से इंटरोगेशन के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ेगा, क्योंकि जो पहले FIR हुई है उसमें दो अफराद का जिक्र है और अब ये चार अफराद के साथ एक नया जो है वो स्टेटमेंट सामने आई है, और एक शख्स जो कि क्लेम कर रहा है कि वो एनी शायद है, तो अब देखते हैं कि किस तरह लेके इन्वेस्टिगेशन को पुलिस चलती है। आज फ्रेंसिक भी किया गया, वहाँ पर फ्रेंसिक्स के जो एक्सपर्ट्स थे वो वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ पर विज़िट किया और उन्होंने तमाम तर जो शवाहद थे उनका जायज़ा लिया, वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से जो CCTV फुटेज है वो निकाली जाए। बहरहाल तमाम लोग जो हैं वो दायरे जो हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं कि इसको हम जो है वो फाइंड आउट करें कि किसने ये हीनियस क्राइम किया है। बहरहाल अब देखते हैं जी कि अब इस नए इंकशाफ के बाद पुलिस इस केस को किस तरह लेकर आगे चलती है, और फर्दर इसमें अब किस तरह से चीज़ें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया।